हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल टैक्सोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने देखा है तो आप जानते होंगे कि पिछली वीडियो में हमने अर्ली सिस्टम्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी। अर्ली सिस्टम्स यानी जो कि पुराने सिस्टम्स थे। उसके बाद हमने मॉडर्न सिस्टम्स के बारे में भी बात करी थी। मॉडर्न सिस्टम्स के अंदर हमने डोकुचाइव के जो भी जोनैलिटी कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था उसके बारे में अच्छे से बात करी थी। साथ में हमने मार्बट और साथ में बाल्डविन का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में भी बात करी थी। तो आज के इस वीडियो के दौरान हम ऐसे सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा सही माना जाता है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। अब सबसे ज़्यादा सही है मतलब उन्हें सम अप कर दिया गया है, मतलब सबसे बेहतर अगर हम सिस्टम देख रहे हैं तो वो है सॉइल टैक्सोनॉमी। अब सबसे बेहतर है इसीलिए इसे हम कहते हैं कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। कम्प्रिहेंसिव मतलब सम अप कर दिया गया है और सबसे बेहतर सिस्टम माना गया है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है ये सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, तो सॉइल टैक्सोनॉमी के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 मेन कैटेगरीज होती हैं। ये जो 6 मेन कैटेगरीज हैं उसमें से जो हाइएस्ट कैटेगरी है उसे हम कहते हैं सॉइल ऑर्डर, और सबसे जो लोवेस्ट कैटेगरी होती है वो है सॉइल सीरीज। तो आप जानते होंगे कि सॉइल इंडिविजुअल्स को कलेक्ट करके, सॉइल इंडिविजुअल मतलब किसी एक एरिया की जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको कलेक्ट करते हुए हम सॉइल सीरीज बनाते हैं। और सॉइल सीरीज आप की अलग अलग सॉइल सीरीज की सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से, डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर्स के हिसाब से हम सॉइल फैमिलीज बनाते हैं। सॉइल फैमिलीज के अंदर कैरेक्टर सिमिलर होते होते हम कोई और ग्रुप्स बनाते हैं तो उन्हें सब ग्रुप्स कहते हैं। उन ग्रुप्स के बिहाफ पे जो और बड़े ग्रुप बनते हैं उन्हें ग्रेट ग्रुप्स कहा जाता है। उनसे अपर क्लास फिर सब ऑर्डर बनती है और सबसे अपर क्लास जो होती है वो होती है सॉइल ऑर्डर। तो सॉइल ऑर्डर जो है वो कितने हैं नंबर के अंदर? 12 हैं। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम सॉइल ऑर्डर के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉइल ऑर्डर पढ़ने से पहले भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक होरिजन्स। तो आज के इस वीडियो के दौरान सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये सॉइल टैक्सोनॉमी किस तरह से आई, उसके पीछे की एक छोटी सी हिस्ट्री। वैसे तो हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है लेकिन हमें हमारे काम की जितनी है वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये हम देखते हैं जो डायग्नोस्टिक होरिजन्स हैं वो क्या होते हैं। ओके, तो अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल टैक्सोनॉमी के बारे में। तो हम देखते हैं इन 1960 अ कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन कब आया? 1960 के अंदर कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन पॉपुलरली नोन एज 7th अप्रॉक्सीमेशन वाज पब्लिश्ड बाय USDA। तो यहाँ जो मैंने ब्लू से आपको यहाँ हाईलाइट करते हुए जो दिखाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1960 में आया था 7th अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन मतलब क्या है कि 1953 से आप ये शुरुआत मान सकते हैं, 1953 से मतलब जो सॉइल सर्वे का स्टाफ वगैरह जो है उन्हें समझ आने लगा कि भाई एक बेहतर सिस्टम की हमें ज़रूरत है सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए। तो हर साल कहीं ना कहीं हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेशन आए, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन 1953 से। तो ऐसे करते करते हमने देखा अलग अलग अप्रॉक्सीमेशन आए, तो हर अप्रॉक्सीमेशन जो था पहले से बेहतर था और सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए वो बेस्ट माना जा रहा था। तो ऐसे करते करते हमने देखा 7th अप्रॉक्सीमेशन जो था, 7वां अप्रॉक्सीमेशन जो था वो सबसे ज़्यादा बेहतर माना गया, जिसके अंदर हम जो कि किसने पब्लिश किया था तो वो USDA ने किया था, है ना। तो कहने का मतलब USDA जो है उन्होंने ये पब्लिश किया 7th अप्रॉक्सीमेशन। कब किया? 1960 में किया, इसे आप ज़रूर याद रखिए। ओके, अब देखते हैं ये किसकी लीडरशिप में हुआ। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ लीडरशिप जो थी वो जी डी स्मिथ की थी, गाय डी स्मिथ नाम से लिखा हुआ होता है बुक में, तो जी डी स्मिथ के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये सॉइल टैक्सोनॉमी की एक तरह से छोटी सी हिस्ट्री आप ध्यान रख सकते हैं। ये 7th अप्रॉक्सीमेशन को बाद में और हमने देखा 1975 के अंदर क्या नाम दे दिया गया, तो वाज ब्रॉट आउट एज द सॉइल टैक्सोनॉमी। 1975 में से क्या कह दिया गया? सॉइल टैक्सोनॉमी कह दिया गया ये 7th अप्रॉक्सीमेशन को। ओके, और हम देख रहे हैं इट वाज डिजाइन टू सर्व नीड्स ऑफ द सॉइल सर्वे। क्यों किया जा रहा है ये सबको सॉइल क्लासिफिकेशन, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ताकि हम अच्छे से सॉइल सर्वे कर सकें। सॉइल सर्वे क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, ये आने वाले वीडियोस के अंदर हम जानने ही वाले हैं, लेकिन मोटा मोटी आप ये जान सकते हैं कि सॉइल सर्वे मतलब सॉइल का डाटा कलेक्ट करना,
जिससे कि वो हमारे लिए यूज़फुल रह सके। तो सॉइल का डाटा हम तब अच्छे से कलेक्ट कर पाएंगे जब हमारे पास सॉइल का अच्छे से क्लासिफिकेशन भी हो, है ना। तो इसलिए ये डिज़ाइन किए गए थे। और हम देखते हैं इंडिया ने कब अडॉप्ट किया सॉइल टैक्सोनॉमी को, तो आप याद रख सकते हैं 1969 के अंदर, 1969 में इंडिया में सॉइल टैक्स, और भी काफ़ी सारे देशों ने इसे एक्सेप्ट किया, इंडिया ने 1969 के अंदर अडॉप्ट कर लिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया एक तरह से। और हम देखते हैं सॉइल टैक्सोनॉमी के बाद कुछ हमें, वैसे तो आपको मैंने बताया 6 कैटेगरीज हैं, उसमें सबसे टॉप पे सॉइल ऑर्डर है। उन 6 कैटेगरीज को अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो हमें डायग्नोस्टिक होरिजन्स के बारे में पता होना चाहिए। डायग्नोस्टिक होरिजन्स क्या होते हैं, तो हम देखते हैं डिफाइंड एज वन फॉर्म्ड थ्रू पीडोजोनिक प्रोसेसेस। पीडोजोनिक प्रोसेस यानी सॉइल फॉर्मेशन के जो अलग अलग प्रोसेस हैं, पिछले वीडियोज़ में हमने बात करी है, आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो हम देख रहे हैं कोई ऐसा होरिजन, ऐसी पर्टिकुलर लेयर जो हम देख रहे हैं पीडोजेनिक प्रोसेस वगैरह से बनी है एंड हैविंग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स, जिसके अंदर कोई खास प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके कोई अलग फीचर्स हैं, दैट कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ मेजरेबल सॉइल प्रॉपर्टीज़, जो किस रूप में हम देख सकते हैं डिफाइन किए जा सकते हैं, सॉइल प्रॉपर्टीज़ के रूप में डिफाइन किए जा सकते हैं। हमारी कोशिश जो है सॉइल टैक्सोनॉमी के अंदर यही है कि हम सॉइल का क्लासिफिकेशन उनकी प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर भी कर सकें। डोकुचाएव ने उनके जेनेटिक्स पे ध्यान दिया था, जेनेटिक सिस्टम थे वो। टैक्सोनॉमी जो है वो फोकस करती है सॉइल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, सॉइल प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकें, है ना। तो उसके लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत है डायग्नोस्टिक होरिजन्स को। आई मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ। तो डायग्नोस्टिक होरिजन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, उनके दो टाइप्स होते हैं। इसमें से पहला टाइप जो है वो है एपिपेडॉन और दूसरा जो है वो है एंडोपेडॉन। तो एपिपेडॉन और एंडोपेडॉन ये दोनों ही ग्रीक वर्ड्स से हैं, और ग्रीक वर्ड्स में एपी का मतलब आपको पता होगा अबो, और एंडोपेडॉन, एंडो का मतलब होता है बिलो, अबो और बिलो, कहने का मतलब सॉइल की लेयर या सॉइल सरफेस के ऊपर, या जो ऊपर के जोन में जो हम देख रहे हैं ऊपर ऊपर जो हमारे को जो होरिजन्स दिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं एपिपेडॉन, और जो नीचे गहराई में दिखते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, बिलो दिखते हैं उन्हें एंडोपेडॉन कह सकते हैं। एपिपेडॉन जो है वो नंबर में 9 है, कितने हैं 9 हैं, और जबकि वो कितने हैं 19 हैं। वैसे अलग अलग आप जब नंबर्स, इन नंबर्स का हो सकता है आपको अलग दिख सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप जब देखेंगे IEEE नाम की जो बुक है इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, है ना, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये 19 मेंशन किया गया है, 19 और 9 मेंशन किया गया है, तो उसके भी आप पे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब जो एपिपेडॉन है उनके बारे में इस वीडियो के दौरान हम डिटेल से बात करने वाले हैं, साथ ही इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम एंडोपेडॉन्स के बारे में बात करेंगे। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एपिपेडॉन के बारे में। एपिपेडॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एपी मतलब ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है ओवर या अबो, तो सरफेस के ऊपर मतलब सॉइल के ऊपर माना गया है इसे। तो सरफेस में ऊपर ऊपर ही अगर कोई हम देख सकते हैं होरिजन्स दिखेंगे तो उन्हें हम एपिपेडॉन कह देंगे, इसीलिए इसे सरफेस होरिजन्स भी कहते हैं। एंडोपेडॉन को क्या कहेंगे, सब सरफेस होरिजन कहेंगे, क्योंकि सरफेस के नीचे माने गए हैं तो वो सब सरफेस कह दिए जाएंगे, ये क्या है, सरफेस होरिजन्स है। ओके ना, तो अब देखते हैं हम सबसे पहला एपिपेडॉन जो कि है फॉलिस्टिक एपिपेडॉन। तो फॉलिस्टिक एपिपेडॉन के अंदर हम देखते हैं ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, फॉलिस्टिक वर्ड, लैटिन वर्ड जिसका जो कि है फोलिया, और फोलिया का मतलब तो आप जानते हैं, फोलिया मतलब लीफ, यानी लीफ से इसे रिलेट किया गया है किसी तरह से। तो हम देखते हैं कि यहाँ एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि यहाँ 8 to 16% ऑर्गेनिक मैटर देखा जाता है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब इसमें हाई है, यानी 8 to 16% तक देखा जाता है। और हम देखते हैं दे आर नेवर सैचुरेटेड विथ वाटर फॉर मोर देन 30 days, 30 दिन से ज़्यादा, है ना, यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्यूम्युलेटिव, लगातार 30 दिन, लगातार 30 days से ज़्यादा इनके अंदर वाटर का सैचुरेशन नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जाता मतलब ऐसी कंडीशन हो ओरिजिन के अंदर 30 दिन से ज़्यादा वाटर का सैचुरेशन नहीं देखा जा रहा और 8 to 16% ऑर्गेनिक मैटर है उसमें, तो उस ओरिजिन को, उस एपिपेडॉन को हम फॉलिस्टिक एपिपेडॉन कह सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो है वो है हिस्टिक, हिस्टिक एपिपेडॉन के अंदर और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। वैसे इसके अंदर ग्रीक वर्ड से लिया गया है हिस्टॉस, हिस्टॉस का मतलब होता है टिश्यू, तो प्लांट या एनिमल टिश्यूज इसके अंदर कहीं ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, 20 to 30% से भी ज़्यादा होगा हिस्टिक के अंदर, याद रखना इसे, ये प्रॉपर्टीज़ याद रखने की हैं। हो सकता है आपको ऐसा आ रहा हो एग्जाम दिमाग में कि क्या बकवास हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तो समझने जैसा इसमें मैटर कम है और इसमें याद रखने जैसा मैटर ज़्यादा है।
तो ये टॉपिक थोड़ा सा याद करने वाला ज़्यादा है ना। तो इसे हमें याद रखना पड़ेगा कि हिस्टॉस का मतलब होता है टिश्यू, और टिश्यू से हम रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ 20-30% ऑर्गेनिक मैटर होता है। और हम देख रहे हैं हिस्टिक का मतलब है वेरी हाई इन ऑर्गेनिक मैटर, हिस्टिक जो है ऑर्गेनिक मैटर इनके अंदर हाई होगा, एंड सैचुरेटेड विद वाटर फॉर मोर देन 30 डेज। ये सैचुरेटेड होती हैं पानी से, सैचुरेटेड मतलब आप जानते हैं पानी भरा हुआ इनके अंदर, तो मॉइस्चर से फिल्ड होती हैं ये फॉर मोर देन 30 डेज, 30 दिन से भी ज़्यादा फुलफिल रहती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं मेलानिक, मेलानिक मेलानिन आपने जानते हैं, मतलब मेलानिन अपन कहते हैं ना बॉडी में मेलानिन ज़्यादा होगा तो फिर बॉडी इतनी डार्क होगी, तो कहने का मतलब ये हुआ मेलानिन कहीं ना कहीं डार्कनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ भी आप ये समझ सकते हैं कि थिक और डार्क ओरिजन होता है इसका विथ मोर देन 6% ऑर्गेनिक मैटर। और अगर सेचुरेशन के नाम पे अगर कोई डिफ्रेंशिएट करने को बोले आपको एग्जाम में तो वो क्या होंगे, हिस्टिक और फॉलिस्टिक, लेकिन यहाँ हम सेपरेट अगर बोल रहे हैं कि मोर देन 6% ऑर्गेनिक मैटर है और साथ में वो वॉल्केनिक ऐश के ऊपर डेवलप हुआ हुआ है, वॉल्केनिक ऐश डिपॉजिट्स के ऊपर अगर ये हम देख रहे हैं कोई ओरिजिन बना है तो उसे हम कहेंगे कौन सा, मेलानिक कहेंगे। ऐश के ऊपर बना है इसका थोड़ा डार्क होगा और साथ में ये मेलानिक जो है, और साथ में ये जो वॉल्केनिक ऐश के ऊपर बना है इसी वजह से हम कहते हैं इसके अंदर एंडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ही क्या होता है कि वॉल्केनिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, वॉल्केनिक ऐश में जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं यार, आपको याद करनी पड़ेंगी है ना। और हम देख सकते हैं मॉलिक, मॉलिक का मतलब यहाँ है देखिए कि अ थिक डार्क कलर, ये भी थिक डार्क कलर ही है, मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड सारे ओरिजिन्स की बात कर रहे हैं हम। सॉफ्ट मिनरल है ये, और हम देख रहे हैं सॉफ्ट मिनरल ओरिजिन है विथ बेस सेचुरेशन हाई मोर देन 50%। जब बेस सेचुरेशन 50% से ज़्यादा हो तब उस कंडीशन में उसे हम मॉलिक कहेंगे, 50% से कम हो बेस सेचुरेशन तो उसे अम्बरिक कहेंगे। पहली बात तो ये बताओ कि बेस सैचुरेशन क्या होता है ना। बेस सैचुरेशन पता तो हो, याद तो कर लिया कि भाई 50 से ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे मौलिक, और कम होगा तो अम्बरिक। ज़्यादा हो कम होने से पहले ये बात जानी कि बेस सैचुरेशन का मतलब ये हो गया कि बेसिक कैटायंस जो होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम है ना, तो ये जो बेसिक कैटायंस होते हैं वो अगर हम देख रहे हैं ओवरऑल कैटायंस में ज़्यादा हैं, उनका सैचुरेशन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन मतलब उस कंडीशन को हम बेस सेचुरेशन नाम दे रहे हैं। अब बेस सेचुरेशन अगर 50% ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वो एल्केलाइन कंडीशन होंगी वहाँ पे, और अगर 50% से कम है मतलब या फिर ज़्यादा कम है तो उस कंडीशन में वो एसिडिक नेचर की तरफ बढ़ेगा, तो वहाँ हम देख सकते हैं H+ आयन्स ज़्यादा होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको याद जो बात याद रखनी है वो ये है कि अगर बेस सेचुरेशन 50% से ज़्यादा है तो मौलिक ओरिजिन याद रखना है, कम है तो उसे अम्बरिक के रूप में याद रखना है। और उसका है अगला ओकरिक। अभी ओकरिक तो ऐसा है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ना के बराबर है, यानी हम देखते हैं 1% से भी कम है, लेस देन 1% लिखा गया है, ऑर्गेनिक मैटर 1% से भी कम है। ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है ओकरस, हो सकता है दिख नहीं रहा हो आपको, ओकरस जिसका मतलब है पेल, पेल मतलब फीका पड़ा हुआ है। ये फीका क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर सबसे कम है। तो हम देख रहे हैं अपोजिट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम मॉलिक, मॉलिक से अपोजिट प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं हम इसकी, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर सबसे कम है। तो ऑर्गेनिक मैटर के बिहाफ पर ही मैंने आपके सामने एक ग्राफ स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि पेरेंट मटेरियल के ऊपर जैसे जैसे वेजिटेशन बढ़ता जा रहा है, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे उसके ऊपर उगते जा रहे हैं, तब हम देखते हैं कि सॉइल्स जो हैं कहीं ना कहीं वो या तो एसिडिक होने लगती हैं या एल्केलाइन होने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वेजिटेशन वेजिटेशन का अपना अपना अलग अलग इफेक्ट होता है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं सॉइल फॉर्मेशन वाले तो मैंने आपको बताया था कि कॉनीफेरस ट्रीज होती हैं उनके अंदर सॉइल एसिडिक होती हैं, है ना, तो ऐसी चीज़ें हमने बात करी है पहले। तो वैसे ही हम बताना चाह रहे हैं कि वेजिटेशन अगर है और उसमें ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तब उसे हम हिस्टिक के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर कम है तो उसे हम ओकरिक के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, बराबर मतलब नॉर्मल सा है तो उसे मॉलिक के रूप में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एपिपेडोंस जो हैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर बेस्ड बताए गए हैं। आई होप मैंने इस तरह से आपको बताने की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रख सकें, और कोशिश करी मैंने आपको समझाने की, समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पर। ओके, तो अब बचे हुए 3 एपिपेडोन के बारे में और बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से अब लास्ट बचे हुए एपिपेडोंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें 7th नंबर पे हम देख रहे हैं वो है प्लैगन। प्लैगन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैगन और एंथ्रोपिक
एपिपेडोंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, सीधा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता ही है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मान लो इनको ही, है ना। बाकी और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है उनको पढ़ना ही नहीं है, इनको अच्छे से याद रखना है। कि प्लेगन हम तब कहते हैं एपिपेडोन को जब हम देखते हैं उसमें स्पेड मार्क्स, स्पेड मार्क्स मतलब आप जानते हैं स्पेड, आप जानते होंगे ना जो कल्टीवेशन वगैरह के अंदर या मैन्योरिंग के टाइम पे, स्पेशली आपको याद रखना है यहाँ पे मैन्योरिंग वगैरह के टाइम पे जो स्पेड्स वगैरह काम में लिए जाएँ, तो वो स्पेड मार्क्स या बिट्स ऑफ ब्रिक, ब्रिक ईंट के वगैरह टुकड़े वगैरह, या फिर आर्टफैक्ट्स, आर्टफैक्ट्स यानी इंसान के ही कुछ ना कुछ कारनामों के अगर कोई निशान अगर हमें दिख रहे हैं, तो उस ओरिजिन को कहीं ना कहीं प्लेगन नाम दिया जाता है। इसकी थिकनेस 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, मैन मेड ओरिजिन है ये, इंसान ने बनाया हुआ ओरिजिन मान सकते हैं इसे। फॉर्म ड्यू टू लॉन्ग कंटिन्यूड मैन्योरिंग, मैन्योरिंग से पे फोकस है यहाँ पे, मैन्योरिंग मतलब आप जानते हैं खाद डालना ना, तो मैन्योरिंग, लॉन्ग मैन्योरिंग की वजह से जो हम देख रहे हैं ओरिजिन रख याद रखना है वो है प्लेगन। पी के साथ में एम ज्वाइन कर देना, पी एम, पी एम एक तरह से ट्रिक हो गई ना, फुद्दू सी ट्रिक है लेकिन याद रखनी है कि पी से एम, पी एम मतलब क्या है, प्लेगन से मैन्योरिंग याद रहनी चाहिए। दूसरा जो है वो एंथ्रोपिक है, एंथ्रोपोजेनिक या एंथ्रोपिक आपने टर्म सुनी है कि उसमें भी इंसान का ही कहीं ना कहीं रोल प्ले हम देखते हैं। तो फॉर्म्ड अंडर लॉन्ग कंटिन्यू सिस्टम ऑफ फार्मिंग, काफ़ी लंबे टाइम तक कल्टीवेशन या फार्मिंग की वजह से जो ओरिजिन क्रिएट हो रहा है, दैट इन्वॉल्व्स लॉन्ग एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी हो जाता है उसके अंदर या कंपोस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम एंथ्रोपिक कहते हैं। तो कल्टीवेशन या फार्मिंग के ऊपर फोकस करते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें एंथ्रोपिक नाम देना है, और फार्मिंग में भी स्पेसिफिकली मैन्योरिंग पे फोकस करके अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें प्लेगन नाम देना है, याद रखना है, ठीक है, पी से एम याद रखना है। और हम देखते हैं ग्रॉसरैनिक, ग्रॉसरैनिक का मतलब ये है, ग्रॉसरैनिक का मतलब यहाँ होता है कि सैंडी स्ट्रक्चर, या ग्रॉसरैनिक का अंदर ग्रॉसरर ऐसे करके एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब सैंडी टेक्सचर होता है, ऑफ थिकनेस 100 सेंटीमीटर का, और मोर ओवर किसके ऊपर देखा जाता है, ये आर्जेलिक होरिजन के ऊपर, आर्जेलिक होरिजन के ऊपर देखा जाता है, तो मतलब ये होरिजन नीचे है, आर्जेलिक नीचे है, नीचे है तो मतलब वो एंडोपेडोन है। तो मतलब अब हमें पढ़ना क्या है, एंडोपेडोन के बारे में पढ़ना है। तो एंडोपेडोन के बारे में इस वीडियो के दौरान हम बात नहीं करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंडोपेडोन्स, 19 एंडोपेडोन्स जो हैं उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। साथ ही मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ में हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के अदर टॉपिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं, अगर वो आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की जो मैटर है उसकी एक पीडीएफ फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसे आप डाउनलोड करके फ्री में आराम से शांति से पढ़ सकते हैं, देखिएगा कि मैंने क्या क्या बताया है उसमें, कैसे कैसे लिखा हुआ है, तो उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ ही इस चैनल की और भी जो वीडियोस होंगी YouTube आपको रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। और साथ में अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोज़ को आप शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।